बंधु अवतार जनसेवा समिति की अध्यक्ष नारायण द्विवेदी के द्वारा मांस मदिरा और शराब की दुकानों के विरोध में रीवा संभाग कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि मैहर और चित्रकूट राज्य शासन के द्वारा धार्मिक नगरी घोषित है। आदेश है कि 8 किलोमीटर के अंदर में कोई मांस मदिरा की दुकानें नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि विगत दिनों चित्रकूट में गुप्त गोदावरी मोड़ के पास शराब की दुकान खुल गई है। सतना, कटनी, रीवा हर जगह मांस की दुकानें खुली हुई हैं। उनकी मांग है कि मांस मदिरा की दुकानें 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर की जाएं। कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि त्वरित कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनाते हैं नरेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा है। ये आज माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ ज्ञापन जो है तो सौंपा गया है। मैहर और चित्रकूट धार्मिक नगरी और पवित्र नगरी जो है तो राज्य शासन से घोषित है, जहाँ की यह है कि 8 किलोमीटर के अंतराल में मांस मदिरे और शराब की दुकान नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी वहाँ मांस मदिरे और शराब की दुकान खुली हुई है, जिसमें जो है कि कुछ दिन पहले चित्रकूट में जो है गुप्त गोदावरी मोड़ के पास भी है एक शराब की दुकान खुल गई है। और उसमें जो है तो हमारे जो संत जी हैं तो जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि भगवान राम की संकल्प भूमि पर सभी को जो है तो शराब मुक्त का जो है संकल्प लेना चाहिए। और ये जो है तो ये जो दुकान खुली है तो ये दुकान राम की जन्मभूमि में शराब नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन फिर भी गुप्त गोदावरी मोड़ पर शराब की दुकान चित्रकूट में भी खुल गई। और मैहर पे जो है तो आप सतना रोड जाइए तो चित्रकूट दुकान खुली हुई है, कटनी रोड आइए तो दुकान खुली हुई है, आप सीमेंट फैक्ट्री रोड आइए तो दुकान खुली हुई है, आप रीवा रोड से जाइए तो मांस की दुकान खुली हुई है, सतना रोड से आइए तो मांस की दुकान खुली हुई है, कटनी रोड से आइए तो मांस की दुकान खुली हुई है। तो हमारा ये है कि धार्मिक नगरी और पवित्र नगरी राज्य शासन से घोषित है, तो ये जो मांस मदिरे की दुकान है इसको 8 किलोमीटर की दूरी है।